मिट्टी कर वाह। अभी इसको आइस का, आइस का, आइस का, आइस का। थप्पड़ मार, थप्पड़ मार उसको, थप्पड़ मार, थोड़ा यस। और मार, एक और मार, शाबाश तेरे। इधर आ गया तू, तो ये नहीं मैं जा रहा। ये जॉन सीना। थले उतर, इधर थले उतर, थले उतर। शाबाश, तू तो सीधे शॉट छुड़का होए। लड्डू बोल, अब हम आ गए छत पे। ये बंदा ग्रेट है साड़ा। फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, अभी बारिश के साथ। अब यहाँ पे देख सकते हो ना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बारिश ही बारिश और बारिश ही बारिश है। ठीक है, अभी भी थोड़ी थोड़ी रुक रही है, बीच में पड़ रही है, बीच में रुक रही है, और ये कल रात से लगी हुई है। और अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप उस वीडियो को देखना पहले। और आप ये वीडियो देखो, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी। उधमपुर शहर में आज सुबह उसके बाद एक दुकानदार अपनी दुकान के ओले को उठाता हुआ दुकान। ये वीडियो है उधमपुर की, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जम्मू की वीडियो। ये देखो जम्मू की। और एक हमारी किस्मत इतनी माड़ी है, हमें सिर्फ ओहो अचानक से बारिश तेज हो गई है। पहले अंदर चल के बताता हूँ, मतलब कि हमारी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हमें सिर्फ बारिश ही देखने के लिए मेरी है, सिर्फ बारिश ही बारिश। और तो बारिश देख पा रहे हो तो कैमरे में इतनी ज़्यादा तेज, और ज़्यादा तेज़ हो गई है। पर मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया ना, इतना ज़्यादा ठंडा, पर बारिश इतनी ज़्यादा तेज़, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया हुआ है। घर पे बैठे बैठे करें क्या? और मैं सोच रहा हूँ आज कुछ कुछ खाने पीने का व्लॉग बना लेते हैं, मतलब कि ऐसे ही करते, कुछ फूड वगैरह कुछ ट्राई करते हैं बनाने के लिए। हमारे घर पे आया हुआ है एक नई चीज़, ये है सिलेंडर। ये क्यों आया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए आया हुआ है, अभी जो हमारा प्लान है ना वो किसी लॉन्ग राइड पे जाने के लिए है। सो कुछ 300-400 किलोमीटर की लॉन्ग राइड होने वाली है, और वहाँ पे हम गाड़ी लेके जाने वाले हैं। आज इसको ट्राई करते हैं, इसमें कुछ बनाते हैं, आज देखते हैं कैसी चीज़ है ये। ठीक है, जम्मू में हुई बर्फबारी। जम्मू में हुई बर्फबारी, पूरे क्लियर दिख रहे हैं, पूरे क्लियर, शायद गोप्रो में। हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता, बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा बनने का पास्ता बन रहे हैं हमारे साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता, पास्ता, पास्ता। सबसे पहले आग लगा लें, आग लगाना बहुत जरूरी है लेकिन सही जगह पर, मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद आप ये मखना या बटर, जो भी आप इसको अपना नाम देना चाहें, और आप इसको के पैर के बीच में सीड दें। मखन आपकी ऐसी शेप ले लेगा, ये प्याज आप बीच में सीड दें। मखन के साथ जब आप प्याज फेंकें थोड़ी पड़पड़ना स्टार्ट हो सकती है, आप ग्लव्स भी डाल सकते हैं क्योंकि आप पेपर ये सीटें पड़ सकती हैं, जैसे ये सीटें उड़ रही हैं। और अपनी फेस बूटी थोड़ी सी दूर रखें, और इसको थोड़ा थोड़ा डालें, पूरा ना डालें। अब इसके अंदर आप सीड दें पास्ता मसाला, और इसके बीच में सीड दें काली मिर्च। अब इसके अंदर ने भी पास्ता के पास्ता वो इसके अंदर सीड दें। पास्ता खाने के लिए पूरा तैयार है, वेरी गुड। ये हमारा पास्ता बारिश के मौसम में पूरा हमने तैयार कर दिया है, अब इसको खाते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का जो मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 4 बजे, क्योंकि आज है करवा चौथ और मैं घर पर नहीं था, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, पता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो इसलिए आज थोड़ा सा व्लॉग में लेट शुरू करूँगा, जैसे मैं सो आज मामा को भी बुखार चढ़ गया हुआ है, उनको देखते हैं नीचे जाके उनकी कैसी तबीयत है इस टाइम पे, क्योंकि अचानक से ही ठंड बढ़ गई है हमारे जम्मू में, उसकी वजह से बड़े सारे लोगों को ये बुखार वगैरह आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को भी बुखार वगैरह आ रहे हैं। सो बाकी देखते हैं आज रात का क्या क्या है, पूजा वगैरह करेंगे शायद ये घर पे, जो भी होगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। चल भाई फटाफट से सामान ले आते हैं, वरना गालियां पड़ जाएंगी दबा दब। सो गाइस सीन क्या हुआ है, पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन हुआ है। सो गाइस मैं नहीं था यहाँ पे, जम्मू में गया हुआ था, मेरे को थोड़ा सा सामान वगैरह लाना था घर के लिए, जो छन्नी वगैरह होती है वो लानी थी, एंड थोड़ा सा खाने पीने का सामान वगैरह लाना था। सो मैं नहीं था घर पे, ना ही पापा थे घर पे, तो सामान लाने वाला कोई था ही नहीं। सो अभी आते ही मेरे को गफ्फे पड़ गए हुए हैं घर से,
तो मैं फटाफट बिना देरी किए निकल गया हूँ सामान लेने के लिए। बट आज संडे है, मार्केट तो खुली होनी चाहिए। जम्मू में तो पूरी मार्केट खुली थी, अब सांबा का पता नहीं, यहाँ पर तो दुकानें बंद ही हैं। अभी मेन मार्केट में पहुँच के पता लगेगा कि दुकानें खुली हैं कि बंद है। मौसम तो काफ़ी ठंडा हो गया आज। यहाँ पे पूरा ये काम लगा हुआ है फ्लाईओवर का, हमें पूरा खड्डा सा निकाल दिया हुआ है। इस वाली मार्केट में तो हमें नहीं मिली, अभी हमें जाना पड़ेगा सामने वाली मार्केट में, तो यहाँ से नीचे से घूम के जाना पड़ेगा अब तो। सो अभी ये वाली मार्केट में आ गए हैं, यहाँ पे देखते हैं हमें मिलती है कि नहीं। भैया शांडी चाहिए यार, बताओ दिखाना भैया इसमें कोई एक चाहिए और कोई डिज़ाइन है तो दे दो, ये वाली डाल दो यार। तो शांडी वगैरह हमें यहाँ से मिल गई है, और अभी हमको जाना है मनियारी वाली शॉप पे, वहाँ से हमें मिलेगा मेहंदी का कोन। यार ये गाड़ी साइड पे लग जाती है ना, ये बड़ा ज़्यादा जाम लगाती हैं ये वाली गाड़ियाँ। देखना अभी ये वाली गाड़ी फंस गई इस गाड़ी के चक्कर से। मेहंदी का कोन होगा कलर वाला, नहीं चल यार सामने भी एक दुकान है। कलर वाला कौन होगा, मेहंदी का नहीं है। हेलो बीस, इस कलर वाली मेहंदी के लिए हमें घूमना पड़ा। चल सो भी फिर से कॉल आ गई घर से, कह रहे हैं कि आते टाइम मैगीज वगैरह भी लेके आओ। सो भी सीधे चलते हैं कैंटीन में। बनी रहा था अच्छा चाचू है बस ठीक। सो ये सो सामान वगैरह ले लिया यहाँ से, जितना भी सामान था डन है।